अब रुक करते हैं एक दर्दनाक खबर की ओर। दरअसल लद्दाख से ये खबर आ रही है जहां सेना के जवानों से भरा एक गाड़ी नदी में गिर गई, जिससे देश के लिए 7 जवान शहीद हो गए जबकि बाकी अन्य को गहरी चोटें आई हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके पंचकुला के कमांड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सेना की जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें 26 जवान सवार थे। गाड़ी श्योक नदी में गिर गई। हादसे में कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना पर शोक जताते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लद्दाख में हुए बस हादसे से आहत हूँ, जिसने हमने अपनी वीर सेना के जवानों को खो दिया है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। दुर्घटना लद्दाख के होइस से करीब 25 किलोमीटर दूर हुई, जहां सेना का वाहन श्योक नदी में गिर गया। गाड़ी में सवार 26 में से 7 जवानों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं बाकी 19 घायलों में कई की हालत गंभीर है। घायलों को प्रतापपुर के 403 फील्ड अस्पताल में ले जाया गया और लह से सर्जिकल टीमों को प्रतापपुर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक जवानों की बस शुक्रवार सुबह 9 बजे ट्रांजिट कैंप से सब सेक्टर हनीफ की ओर जा रही थी, जब वाहन असंतुलित होकर सड़क से करीब 50-60 फीट नीचे श्योक नदी में गिर गया। आसपास के लोगों, पुलिस और सेना के जवानों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और नदी में गिरे सभी जवानों को निकाला गया। गंभीर रूप से घायल जवानों को वायुसेना की मदद से एयरलिफ्ट कर वेस्टर्न कमांड भेजा गया है। मृत जवानों को घायलों के नाम और पते की जानकारी अभी नहीं मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुर्घटना पर शोक जताते हुए कहा, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे से बात की है, जिन्होंने मुझे स्थिति से अवगत कराया और घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए सेना द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत करवाया। सेना घायल जवानों की हर संभव मदद कर रही है।